उस लड़की नौरतन से शादी करता है और उसकी सखी सहेली नौरतन ने जहाज में बिठाने की तैयारी करने लगी तो किस प्रकार से के समझाने लगी कि बेबे ईव तक तो तू कुंवारी थी और ईव तेरी शादी हो जाएगी और तू सासरे में जाकर चुकर हो जाएगी, हमने भूल जाएगी कि याद करेगी। इस रागनी के माध्यम से कैसे के बता दिया सुनेगा। खेलना की जाकीदार चुवारा बेबे सासरे में जाकर ये खेल खिलौने सारे भूल के अरे तने क्यों करना पड़ेगा। देखिए तने अपनी पसंद का यो जो तेरा बंदड़ा है यो टोया है पहले नंबर पे किस प्रकार से कैसे समझाना किस लिए ना जरा ने 100 रुपए से मान सम्मान किया, नाम समझ में नहीं आया। आदरणीय शमशेर सिंह जी अलावा डिगल गांव से 100 रुपए से मान सम्मान किया, मेरे बहुत ही आदरणीय अंकल जी प्रदीप कुमार 100 रुपए से मान सम्मान किया डिगल गांव से। राजेश फौजी जी इस रागनी पे कुछ 500 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ये कलानौर से डॉक्टर अनिल जी करतार जी और रणवीर फौजी जी 200 रुपए से मान सम्मान किया, तहे दिल से धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद जी। दूसरे नंबर पर न्यू कर लगी बेबे, जब एक बाप एक बेटी की शादी करता है उसके पास जो धन माया हो अपनी बेटी के खातर वो सारी लगा दिया करे, ईब तेने के करना है और के समझाने लगी सुनिएगा। एरी बेटी का के धन बाप के काके धन्यवाद
चिरागनी प्रेमी हमारे आदरणीय राजेश जी डी कलगांव से 100 रुपए से मान सम्मान के तहत से धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। न्यू समझान लगी नौरतन की सखियां कि बेबे एक कवारी लड़की उसके जीवन में जो त्योहार होया करे वो अलग होया करे, लेकिन जब एक लड़की की शादी कर दी जाती है तो उसके जीवन में जो त्योहार आया करे वह त्योहार क्यों कराया करे, कौन सा त्योहार किस टाइम पर किस चीज का होगा, क्या कहने लगी तीसरे नंबर पे। तक मैं पतलाई दस दिन पछे आवे दिवारी घर घर बटा मिठाई बाप मैं सकरात बतावे यो जाटा पड़ा सवाई ठाकण के माहौली हो से बेच बमण सखिया आखिरी बात के माध्यम से न्यू कर लागी बेबे तू तो सासरे चली जागी शायद तू तो हमने भूल भी जागी लेकिन हम तने नहीं भूलागी और आखिरी बात के माध्यम से दादा मांगे राम ने रागनी का तोड़ करा और क्या लिख दिया भला करता हूँ।